आज चर्चा करेंगे अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इसके पहले पार्ट पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, आज हम दूसरे और तीसरे पार्ट पर देखेंगे, यानी अनुच्छेद 20 क्लॉज बी और अनुच्छेद 20 क्लॉज सी पर चर्चा करेंगे कि ए इनका मतलब क्या होता है और ये किस बारे में हमारे संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपका अनुच्छेद 20 बी में दोहरी क्षति नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि थोड़ा इसको समझने का कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं होने का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं, जैसे आपने कोई चोरी की है और आप मानावाद उस चोरी के लिए आपको अधिकतम 5 साल की सजा दी जा सकती है ना। आपने चोरी की और आपको उसके लिए सजा मिलगी कितनी, 5 वर्ष की सजा मिलगी, और 5 वर्ष की सजा काटने के बाद आप जेल से बाहर आ गए। तो अब उसके बाद ये नहीं होगा कि आपको पुनः जेल में डाल दिया जाए, पुनः जेल में डाल दिया जाए और उसका कारण क्या बताया जाए, आपको वही चोरी बताई जाए जिसके लिए आप एक बार सजा काट चुके थे। आपको जेल हो सकती है लेकिन कब, जब आप कोई और अपराध करो। ये नहीं कि आपको फिर से उसी पहले वाली की गई चोरी के लिए आपको जेल में डाला जाए। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर व्यक्ति कोई जुर्म करता है और उसको उस जुर्म के लिए एक बार सजा मिल गई है और उसने वो सजा पूरी कर ली है, तो दोबारा कानून उस व्यक्ति को उसी जुर्म के लिए सजा नहीं दे सकता। हाँ, अब अगर फिर से वो कोई नया जुर्म कर ले, नई चोरी कर ले, तो उसको दोबारा से नए जुर्म के लिए सजा दी जा सकती है, पर पुराने जुर्म के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। तो यही हमें अनुच्छेद बी बताता है कि आपको दोहरी क्षति नहीं होगी, अर्थात आपको एक बार जो सजा मिल गई है उसी जुर्म के लिए पुनः फिर से सजा नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20C पे। 20C क्या बताता हमें, स्व अभिशंसन नहीं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को, आप अक्सर पिक्चरें वगैरह देखते होंगे, तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप या कानून या पुलिस वाले ये दबाव नहीं बना सकते कि वो अपने विरुद्ध स्वयं गवाही दे। तो किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध स्वयं गवाही देने या साक्षी होने के लिए कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता है। जैसे आपने कई बार पिक्चरों में भी देखा होगा कि अपराधी पुलिस के सामने तो अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब उसे कोर्ट में ले जाया जाए तो क्या बोलता है कि पुलिस ने मुझे मार पीट कर ये सब उगलवाया या यह सब बुलवाया है, तो कोर्ट क्या कहती है, उस गवाही को मान्य नहीं मान सकती, मानती है। तो इसी तरीके से आप चाहें तो अपने विरुद्ध आप नहीं बता सकते कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, और ना ही आपको कोई भी इस बात के लिए दबाव डाल सकता है कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दें या अपना जुर्म माने। ठीक है, जबरदस्ती नहीं मना सकते। अगर आप अपने अंतःकरण से मानते हैं कि हाँ भाई मेरे से एक गलती हुई है, उसको स्वीकार करते हो, तो वो बात अलग है। तो आज हमारा अनुच्छेद बी खत्म हो गया, 20 खत्म हो गया है। अगली बार हम अनुच्छेद 21 को देखेंगे, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे।